हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलकत्ता ट्यूब की और एक ब्लॉग में। मैं हूं शबूज। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आया हूं वैष्णो मोटर्स पे। चलिए आपसे मिलाता हूं द ओनर ऑफ वैष्णो मोटर्स, मिस्टर केजरीवाल। हेलो शबूज, वेलकम टू कलकत्ता ट्यूब। थैंक यू। सो वेलकम टू वैष्णो मोटर्स। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल बी गोइंग टू डू अ ब्लॉगिंग आपके साथ, राइट? तो सभी को वैष्णो मोटर्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, आपका यूएसपी क्या है? बताइए सर, आप क्या क्या जानना चाहते हैं? आप जो बोलना चाहेंगे आपका कंपनी के बारे में। वैष्णो मोटर्स इज डीलिंग फॉर ऑलमोस्ट माइट बी 20 इयर्स। ओके। एंड बाय सम अदर नेम एट दैट टाइम। ओके। इट वाज स्टार्टेड सेम सेक्टर बाय परचेज सेल ऑफ यूज्ड कार्स। इवेंचुअली वी वेंट इनटू finance of cars, insurance of cars, eventually we went into, and today we are doing everything. Okay. What a used car dealer should do. Okay. Now it was founded by my elder brother, late Shri Manav Kejriwal. Okay. Now it's only me who I'm continuing it. We have our entire trained staff team, the technicians and everyone. Okay. Who looks after the cars, everything. And मैं बोलूँगा थोड़ा हिंदी में बात करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है सर, हिंदी में बात करेंगे, कोई इशू नहीं है सर। और इसके अलावा आप और क्या जानना चाहते हैं, आप बताइए। फाइनेंस तो आप देते होंगे। फाइनेंस देखिए, बैंक के थ्रू करवाते हैं हम लोगों का टाई अप ऑलमोस्ट ऑल लीडिंग बैंक्स ऑफ कलकत्ता, यू नेम इट, लाइक HDFC, ICICI, येस बैंक, देन वी हैव टाई अप्स विद NBFCs, ओके, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, चोला, कोटक, काफ़ी सारे टाई अप्स हैं। इंश्योरेंस पे भी ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं। तो मान लीजिए कि मेरा सिविल स्कोर जो पैरामीटर होता है लोन के लिए 700 के नीचे है, अराउंड 600-650 सर, 500 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, उनका लोन फैसिलिटी हो जाएगा? देखिए, हम लोग ट्राई पूरा करते हैं, कोई भी कस्टमर जो आए हमारे शॉप पे वो खाली हाथ न लौटे। आफ्टर ऑल देखिए, लोन देना फाइनेंसर को ही है, राइट? देयर आर सेवरल फाइनेंसर जो लोग कंसिडर भी करते हैं, थोड़ा सा पुअर केसेस हम लोग ट्राई करते हैं। अब कस्टमर का जेन्युइनिटी भी इसमें चेक कर देंगे, कस्टमर कितना जेन्युइन है, कि कोई कस्टमर क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम में था जिसके वजह से उसका सिविल खराब हुआ और इंटेंशनली वो खराब था, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं, बैंक को फिर देते हैं। आफ्टर ऑल बैंक अगर लोन पास करता है, हम लोग हमारे तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं लोन पास करने का। इंश्योरेंस का फैसिलिटी भी आप देते हो? 100%। तो मेरा जो चैनल है सिर्फ कलकत्ता में नहीं दिखा जाता है, बाहर से भी दिखा जाता है, पैन इंडिया से दिखा जाता है। ओह दैट्स ग्रेट, क्योंकि पैन इंडिया से कस्टमर्स आते हैं हमारे पास गाड़ी खरीदने। ओके ग्रेट। माने एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी आप देते हो उनको? हम उनको NOC प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, उनको अगर चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डील, हाउ द डील इज डूइंग, उनको हम यहाँ से फ्री डिलीवरी देते हैं उनके घर तक का गाड़ी का। Is it? एकदम वो भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। लोन फैसिलिटी उनके लिए होगा आउटसाइड का? आउटस्टेशन कस्टमर्स के लिए देखिए, लोन के लिए हम उनको बोलते हैं कि सर आप अपना वहाँ से अपना वहीं से पर्सनल लोन आप अप्लाई कर लीजिए। आउटस्टेशन कस्टमर्स यहाँ बैंक नहीं देता है कार लोन, राइट? ओके ग्रेट। कार लोन अवेल करवाते हैं फॉर कस्टमर्स एट एनी कॉर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। ओके, मान लीजिए कि कोई कस्टमर है जिनके पास गाड़ी है और वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक्सचेंज फैसिलिटी माने फैसिलिटी भी है? 100% स्पॉट एक्सचेंज डील है, स्पॉट पे वैल्यू देते हैं। ओके ग्रेट। स्पॉट एक्सचेंज करके देते हैं जी कस्टमर को। सो आपका मिनिमम डाउन पेमेंट एवरेज कितना होता है? नाउ सी दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर्स ऑफ द कस्टमर, हाउ स्ट्रांग हिज इनकम पेपर्स और बैंक स्टेटमेंट, उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ओके ओके। और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हो। नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप कुछ बोलना चाहोगे? आप जो USP पूछ रहे थे सर, रिगार्डिंग द USP, देखिए हमारा सबसे बड़ा USP है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कार इज नॉन एक्सीडेंटल। ओके। एंड हम लोग एक्सीडेंटल कार्स में डील नहीं करते हैं। बकायदा हम लोग हर एक गाड़ी का वीडियो लेते हैं, हर एक गाड़ी का फोटोग्राफ्स हर एक एंगल से लेते हैं, जहां कस्टमर को फोटो और वीडियो में कन्विंस कर देते हैं कि वो नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। ओके। द किलोमीटर ऑफ द व्हीकल इज टोटली विद द इंटायर सर्विस रिकॉर्ड फ्रॉम द डीलरशिप, राइट, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर।
पूरा आपका आप कहीं से भी हमारा ओडोमीटर हिस्ट्री आप वेरीफाई कर लीजिए, सब चीज हम चेक करके एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, कस्टमर को कहीं नहीं जाना है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन यहीं पर कस्टमर आता है। मैं चीज हो गया था, मेरे ख्याल से आप लोग कुछ फ्री सर्विस का फ्री सर्विस भी देते हैं, 100% देते हैं, थोड़ा कस्टमर को बोल दीजिए सबको चार फ्री सर्विस अलाउ करते हैं विद इन वन ईयर, वो भी देते हैं सर। और हमारा खुद का बहुत बड़ा कस्टमर डेटाबेस है बाय गॉड्स ग्रेस। और एक चीज है कि कस्टमर जब आते हैं और हमारे से जब अगर डील हो जाता है वो कस्टमर वापस जनरली कभी और किसी शॉप में नहीं जाना चाहता है, ये एक है। सो कस्टमर सर्विस, दैट इज वन थिंग इज आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सर्विस। यूज्ड कार देखिए एक ट्रस्ट का मैटर है, राइट, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, राइट। नया गाड़ी तो सर आपको शोरूम में जाना है, कोई आपको चेकिंग करना नहीं है, पैसे देने गाड़ी लेने हैं, वो तो नया चीज है, राइट। नाउ यूज्ड कार इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट तभी बिल्डअप होगा जब कस्टमर अगर एक बार आपसे ले लेगा, फिर वर्ड ऑफ माउथ आपका स्प्रेड होता है, राइट, उसके ऊपर में काम होता है जी। ओके मिस्टर केजरीवाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अभी टाइम है गाड़ियां हमारी देख लीजिए, हमारा खुद का वेबसाइट है vaishnomotors.com, उसमें हमारा सारा गाड़ी का फोटो डिटेल्स प्राइस एंड उसका इनफैक्ट उसका वीडियो है, पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारा खुद का वेबसाइट है, हमारा खुद का फेसबुक पेज है, मैं दे दूंगा सब कस्टमर्स के लिए, सब चीज है। और यही है, जब तक एक बार आइए तब एक्सपीरियंस कर पाइए। ओके, और लास्ट एक मैं चीज बताना चाहूंगा, देयर विल बी अ प्रमोशनल डिस्काउंट कोड आल्सो फॉर माय सब्सक्राइबर्स ओनली, दैट आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा कि आपको बताया क्वालिटी, आप देखिए हम किन तरह की गाड़ियां रखते हैं, पूरी सर्विस हिस्ट्री के साथ रखते हैं। ये होंडा जायज है 2016 की मॉडल, आइए आपको हम दिखाते हैं। सिर्फ 8 लॉक खोलिए, सिर्फ 8000 किलोमीटर चली हुई है। अपोल्स्ट्री देखिए गाड़ी का, अपोल्स्ट्री सेल्फ स्पीकिंग, हमारी गाड़ियां सेल्फ स्पीकिंग होती हैं, सीट का प्लास्टिक भी नहीं गया अभी तक गाड़ी का, कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड के साथ में ये गाड़ी अवेलेबल है। पिनाकल होंडा में सर्विस हुआ है अभी हार्डली 15 या 20 दिन हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, नया का नया गाड़ी पड़ा है सर, 8000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या क्वालिटी दूँ। आपके आपके जो कस्टमर्स आपके थ्रू जो आएंगे या आपका चैनल के थ्रू, आपको इससे ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी कहाँ मिलेगा। आइए आपको दूसरा गाड़ी हम दिखाते हैं, ये सियाज है, मारुति की सियाज गाड़ी, ZDI मॉडल 2015 की मॉडल है, 2025 तक की टैक्स पेड है, डीजल गाड़ी, टॉप मॉडल विद पुश बटन स्टार्ट, विद पुश बटन स्टार्ट, एकदम नया ओरिजिनल आपका मारुति का पोल्स्ट्री लगा हुआ है, देख लीजिए, ऑडियो कंट्रोल ऑन द स्टेयरिंग व्हील, सारा चीज़ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द कार, टॉप मॉडल गाड़ी। आज नया गाड़ी का दाम कितना होगा, मेरे ख्याल से 11-12 लाख रुपया तो होना ही चाहिए, विच वी आर ऑफरिंग ओनली फॉर 5.5 लाख रुपीज़। और क्या चाहिए, टैक्स पेड 2025 तक का गाड़ी, मारुति की SX4 गाड़ी है, टॉप मॉडल गाड़ी है, ZXI डुअल एयरबैग आपका, अलॉय व्हील, चारों के चारों चक्के एकदम नए लगे हुए, दिखाइए सर जरा चक्का दिखाइए गाड़ी का, ये थ्रेड में ओरिजिनल नया टायर के साथ आपको गाड़ी मिलेगा। देखिए डुअल एयरबैग वाली गाड़ी है, 2010 की मॉडल है, आपका नया गाड़ी का दाम ये जब आता था तो मेरे ख्याल से 8-9 लाख रुपया के 8-9 लाख रुपया के आसपास में आता था, मैं दे रहा हूँ सिर्फ 2.25 लाख रुपया में। और क्या चाहिए आपको, नया गाड़ी लेंगे आज आप लेने जाएंगे, आपका ये सब फीचर्स के साथ में 10-12 लाख रुपया लग जाएगा, 2 लाख 2.25 लाख रुपये में, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट सर, और क्या चाहिए आपको। सबसे पहला बात है, देखिए हम लोग बार्गेन में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोगों का टैगलाइन ही है कि एक तरह से जो कस्टमर आता है हम लोग बोलते हैं सर वी डू नॉट बिलीव इन बार्गेन्स, हमारा फिक्स प्राइस ही होता है, क्योंकि क्वालिटी, देखिए क्वालिटी नेवर कम्स फॉर चीप एंड चीप थिंग्स आर नॉट हैविंग गुड क्वालिटी, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो ले रहे हैं, आपके थ्रू जो कस्टमर आएगा हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको टोकन डिस्काउंट वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल हम ज़रूर उनके लिए करेंगे, उसकी आप चिंता मत करिए सर, हम भी चाहते हैं वी ग्रो टुगेदर, आप हमारे साथ ग्रो करिए, हम आपके साथ में ग्रो करें। ये हुंडई की i20 गाड़ी है, 2013 की मॉडल है, 23 तक की टैक्स पेड है, डीजल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी, लाजवाब गाड़ी है। ये देखिए होंडा की मोबिलियो गाड़ी है, 2014 की मॉडल है, 24 तक की टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है,
वी सीरीज फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। एक दो जगह स्क्रैच है गाड़ी में, जिसको टचअप हमने करवाया भी नहीं है और ना कराने की कोई दरकार है। आज आपको अप्रिशिएट करना होगा सर, आज 5 साल 5.5 साल गाड़ी रस्ते में चली है, सिर्फ 2-4 जगह स्क्रैचेज है गाड़ी में और कुछ नहीं है, फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। फोर्ड इको स्पोर्ट 2014 की मॉडल, 2024 तक की टैक्स पेड, टाइटेनियम ऑप्शनल गाड़ी, 2014 की मॉडल, 24 तक की टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर गाड़ी। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं जी भाई साहब, आप चारों तरफ आप थक जाएंगे गाड़ियों का फोटो लेते हुए, लेकिन क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारे पास में। मारुति की डिज़ायर गाड़ी है, 2009 की मॉडल है, 2024 तक की टैक्स पेड है, एसी है, पावर स्टेयरिंग है, और क्या चाहिए आदमी को, 2 लाख रुपया और क्या चाहिए आपको। होंडा मोबिलियो गाड़ी है, 2015 की गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स पेड डीजल गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी है, 2016 की मॉडल, महिंद्रा बलेरो गाड़ी है, 2021 तक का टैक्स पेड है। टायर देखिए कैसा टायर है, क्या कंडीशन है गाड़ी का, देखिए एक बार मन खुश हो जाएगा, बलेरो गाड़ी चढ़ने वाला पार्टी को इस तरह का टायर का गाड़ी मिल जाए और क्या चाहिए। 2014 की टोयोटा इनोवा गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी है, फर्स्ट ओनर, मात्र 70,000 किलोमीटर चली हुई, फुल कंपनी सर्विस रिकॉर्ड, लास्ट 69,000 में लास्ट सर्विस हुआ टॉप सेल टोयोटा में, कोई इश्यूज नहीं गाड़ी में। इनोवा गाड़ी 70,000 किसी को चला हुआ मिल जाए तो लगता है कि उसको नया गाड़ी मिल गया है। महिंद्रा बोलेरो एसी पावर स्टेयरिंग एसएलई गाड़ी 2014 की मॉडल, 24 तक की टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर, एकदम टनाटन माल। ये देखिए होंडा सिटी वी आई डी टेक डीजल 2015 की मॉडल है, 2020 तक का इसका टैक्स भी पेड है, ऑडियो माउंटेड स्टेयरिंग कंट्रोल्स है, एयरबैग्स है, अलॉय रिम्स है, और क्या चाहिए आपको। नया का दाम आज आप शोरूम से लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 13-14 लाख रुपया पड़ जाएगा। मैं ये गाड़ी दे रहा हूँ सिर्फ 5,75,000 रुपया में। रेनॉल्ट की डस्टल गाड़ी RXZ गाड़ी, 110 PS की टॉप मॉडल डीजल गाड़ी, ओनली 53,000 किलोमीटर चली हुई, आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऑल कार्स आर फर्स्ट ओनर। यू स्टॉक करीबन रखते हैं, अच्छा खासा स्टॉक रखते हैं, जैसे कि कस्टमर आए तो घूम के नहीं जाए, लेकिन यही है क्वालिटी खोजने वाला कस्टमर ही गाड़ी लेता है सस्ता, और बार्गेनर्स हमारे से गाड़ी देखिए ले नहीं पाता हम, क्योंकि हम बार्गेन में, जैसा आपको बताया शुरू में, हम बार्गेन में बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर हम बार्गेन करना चालू कर दें तो हमको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो हम कर ही नहीं सकते, हमारे शॉप का नाम उसमें ख़राब हो जाएगा, हमारा खुद का अपना गुडविल है। दो हज़ार बाईस तक की टैक्स पेड, मात्र 99,000 किलोमीटर चली हुई, 8 सीटर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। की मॉडल टॉप मॉडल होंडा सिटी VXMT पेट्रोल विथ सनरूफ एंड लाइफ टाइम टैक्स पेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। दो हज़ार पंद्रह की हुंडई वरना गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स पेड, SX मॉडल, AC पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, डुअल एयरबैग, अलॉय व्हील्स, जो फीचर्स बोलिए हमारी गाड़ियों में फीचर्स सब रहते हैं प्राय, हमारे यहाँ मैक्सिमम आपको टॉप मॉडल गाड़ियाँ ही मिलती है जनरली। ये देखिए इसके सामने खड़ी है शेवरलेट की क्रूज गाड़ी, 2011 की गाड़ी है, 2021 का टैक्स पेड है विथ सनरूफ, मात्र 3,75,000 रुपया में, 50,000 या 60,000 किलोमीटर सिर्फ चली हुई गाड़ी है। ठाकार की 2015 की गाड़ी है, डैटसन गो प्लस गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ी है आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे स्टॉक में, आप हमारे साथ अब बात कर सकते हैं, हमारी गाड़ियों को आप देख सकते हैं। चलिए
आपका छोटा सस्ता है, मारुति स्टीम है 2008 की मॉडल है, ये है एंट्री लेवल गाड़ी हमारे पास में, क्योंकि हम जैसा बताया क्वालिटी रखना है और बहुत पुरानी गाड़ी का उतना अच्छा क्वालिटी दे नहीं पाते हैं, इसलिए जनरली हम लोग हाई मॉडल करंट मॉडल गाड़ी ही रखने में बिलीव करते हैं। लेकिन एक्सचेंज में आई हुई गाड़ी है, 2007 की गाड़ी है, 2022 तक का टैक्स भी पेड है, रनिंग कंडीशन में गाड़ी है, अच्छे कंडीशन में है, मात्र 90,000 रुपये ओनली 90,000 रुपीज़ इसको ले सकते हैं कोई भी, किसी को भी कोई एक अगर किसी को अगर हाथ सेट करना है, हाथ सीख करना है 90,000 रुपये, और क्या मिलता है सर, टैक्स पेड, पेपर्स पेड, ऑल पेड गाड़ी। 2013 की रेनॉल्ट डस्टर RXL विथ अलॉय व्हील्स, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, दिस कार वॉज ओन्ड बाय अ लॉयर। दो हजार 2015 की एक और होंडा मोबिलियो गाड़ी है, मात्र 30,000 किलोमीटर चली हुई है, 2025 तक का इसका टैक्स पेड है, 7-सीटर डीजल वी मॉडल गाड़ी। ये 2011 की इनोवा गाड़ी है, 8-सीटर फर्स्ट ओनर और चली हुई मात्र 60,000 किलोमीटर, फुल सर्विस रिकॉर्ड, कलकत्ता टॉपसेल टोयोटा में इसका सर्विस हुआ है, कोई इश्यूज़ नहीं है गाड़ी में, बहुत कम चली हुई, बहुत प्यारी प्यारी गाड़ी है हमारे पास। फ्रेंड्स, सिर्फ कलकत्ता ट्यूब की कस्टमर्स के लिए मैं एक स्पेशल डिस्काउंट कोड दूंगा, VMCT। ये कोड आप डीलर के पास आके दोगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, बोल।